स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th प्लस वन और प्लस टू क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 प्लस टू क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपको बच्चों एक कर्व दिया है, कर्व की इक्वेशन आपको दी है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में आपको दी है बच्चों किसी कर्व की इक्वेशन, और इक्वेशन कर्व की क्या दी है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इस प्रकार से एक कर्व की इक्वेशन दी है बच्चों, और इस कर्व के ऊपर आपको क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कैसे, जहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 times यानी 8 गुना चेंज हो रहा है, यानी कि जो चेंज y कोऑर्डिनेट में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहा है बच्चों। मान लीजिए यहां पर y में जो चेंज आया उसको क्या लिखेंगे आप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ये जो x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है वो क्या होगा, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो y में चेंज है ये x की तुलना में कितना गुना है, 8 times 8 गुना, ये 8 गुना है ना, तो आप इधर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं। तो देखिए कहता क्या है, इस कर्व के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 times क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। तो आप इस पे ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग क्या कीजिए, पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए बच्चों। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, एज इट इज 6 इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। सिमिलरली इस साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप क्या करें, यहां से आप लोग 6 तो एज इट इज रखें और dy वाई बाई डी टी की वैल्यू यहां से उठा लें, क्या है 8 times डी एक्स बाई डी टी, और उधर क्या है आपके पास, उधर है बच्चों 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे हो गया। अब ये पूरी की पूरी सिचुएशन किसमें बदल गई, dx एक्स बाई डी टी में, तो आप dx एक्स बाई डी टी से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां तो क्या बचेगा, 6 8 48 और इक्वल टू 3x स्क्वायर, बस यही आएगा। अब आप कीजिए 3 को इधर मतलब ले आइए या 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 16 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा और आगे आएगा प्लस माइनस, तो दिस इंप्लाई मतलब ये जो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा आपके पास x, तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएंगी क्या, 2, क्योंकि 14 का स्क्वायर ये 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू आई एक तो प्लस 4 और एक आई माइनस 4। अब आप जब x को क्या रखते हैं, 4 आप रखेंगे, दोनों वैल्यूज रख के देखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू आपका 4 हो, जब x 4 है तो y क्या होगा बच्चों, y की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहां पे रखिए करो में, आप जब 6y इज इक्वल टू, ये तो यूं का यूं x की जगह 4 रख दिया आपने, 4 cube plus 2, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 4 cube, एक्स की क्यूब है ना, तो 4 की क्यूब और प्लस में क्या है 2 है, तो बच्चों 6y इज इक्वल टू 4 की क्यूब कितना हो गया, 64 और प्लस में 2, तो कितना आया, ये आ गया 66। तो यहां से 6y इक्वल टू 66 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, y ऊपर लिख देते हैं, 6y इज इक्वल टू आया है 66, देन y इक्वल टू क्या होगा आपके पास, y होगा 66/6 यानी कि 11। तो आपने क्या रखा था, आपने रखा था बच्चों x की जगह 4 और y आया आपका 11। एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या कहता था, दूसरी बात क्या दी थी इसने, x की वैल्यू एक और आई थी बच्चों, कितने, माइनस 4, तो व्हेन जब आपका x क्या होगा माइनस 4, देन y क्या होगा बच्चों, देन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 into y, तो एज इट इज 6y इज इक्वल टू, अब उधर क्या है, x की क्यूब प्लस 2 यानी कि माइनस 4 की क्यूब प्लस 2, माइनस 4 की क्यूब प्लस 2, तो बच्चों ये 6y आपका एज इट इज इक्वल टू माइनस 4 की 3 times मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 64, माइनस का 64 आएगा आपकी बार और प्लस में 2, तो यहां पर 6y इज इक्वल टू कितना बचता है, इसमें से ये घटाइए, माइनस का 62,
सिमिलरली जब y की वैल्यू निकालते हैं तो आपका माइनस 62 बाई 6 आएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से, तो माइनस 31 अपॉन में 3, ये आ जाएगा माइनस 31 अपॉन में 3। तो प्यारे बच्चों ये दो पॉइंट आ गए आपके पास, क्या आया था, पहला पॉइंट आया था 4,11 और दूसरा पॉइंट क्या आया आपके पास, x की वैल्यू माइनस 4 थी दूसरी और y क्या आई, माइनस 11 बाई 3। तो इस प्रकार से ये दो पॉइंट ऐसे हैं इस कर्व के ऊपर, इस ये जो कौन सा ये जो कर्व है इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो इन दो पॉइंट्स पे ऐसी सिचुएशन क्या बनेगी, जहां पर जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम चेंज होगा। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ खींच सकते, मतलब खींच के भी बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बताना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में रेडियस ऑफ एन एयर बबल दे रखी है बच्चों, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एयर में, वायु में कोई बुलबुला है, एयर बबल है, उसकी जो रेडियस है बच्चों वो चेंज हो रही है किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यदि, क्योंकि वो कैसा होगा, हवा में कोई बुलबुला होगा तो बच्चों वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो उसकी रेडियस को लेट कर लेते हैं आर मान लेते हैं, लेट कर ली हमने रेडियस आर है, तो चेंज इन रेडियस को आप क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप लिखोगे चेंज इन रेडियस डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम। तो क्या है वो दे रखिए 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपके पास कोई बुलबुला है, उस बुलबुले की जो रेडियस है वो कैसे, किस रेट से चेंज हो रही है, पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ए 1/2 सेंटीमीटर चेंज हो रही है, यानी वो बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग दे रखा है इसने, यानी कोई छोटा सा बुलबुला है वो बढ़ता जा रहा है इस रेट से। उसके बाद एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, जब ये रेडियस बढ़ करके क्या बन जाती है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा होगा उस समय, तो आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, यानी आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको निकालना है कि इसके वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा। तो इससे सबसे पहले आपको इसके वॉल्यूम का पता होना चाहिए, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को यदि वी से डिनोट करते हैं तो, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब, क्योंकि आपको रेडियस, आपने रेडियस को आर सपोज किया है, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप निकालोगे तो चेंज इन वी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या लिखोगे बच्चों आप, 4/3 पाई, तो आपका कॉन्स्टेंट है ये यूं का यूं, और आर की क्यूब का 3 आ जाएगा आपका आगे, और आर का हो गया स्केयर, और आर का फिर डेरिवेटिव क्या बना, डी आर बाई डी टी, पहले क्यूब का किया ना 3 आर स्केयर, फिर डी आर बाई डी टी आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी टी इज dv बाई डी टी इक्वल टू 4/, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4π आपका एज इट इज, r की जगह आपने क्या लिया था 1, जब ये 1 हो जाती है तो 1 रख दीजिए r की जगह, 1 का स्केयर, और dr बाई डी टी आपको दी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये चेंज है किसमें, रेडियस में। तो अब आप जब क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो ये हो जाता है 2×2=4, यानी कि 2π इंटू 1 क्या बन गया बच्चों, 2π, और ये वॉल्यूम में चेंज है, इसलिए आप क्या लिखोगे इसको, वॉल्यूम में चेंज को लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है ना यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड, बस यही आपका चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने आपको कहा ए बबल विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, कोई बुलबुला है बच्चों, बबल है, और इस बबल की जो शेप कैसी बताई है, ये ऑलवेज क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, यानी कि गोलाकार रहता है हमेशा, ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा इसने, इसका डायमीटर जो है क्या है 3/2 × 2x+1, तो डायमीटर को मैं यदि डी मान लेता हूं तो वो दे रखा है बच्चों 3/2 × 2x+1, ये है आपके पास क्या, एक किसका, कोई बलून है उसका डायमीटर, तो आप इसकी रेडियस को आर मान लेते हैं, पहले रेडियस निकाल लीजिए बच्चों, तो 3/2 और आ जाएगा, हाफ होगा ना डायमीटर से, तो 3/4 हो जाएगा, 2x+1 ये दे दिया इसने, रेडियस हो गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है हमने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यदि मैं वॉल्यूम को v मानता हूं, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए बच्चों, तो आप जानते ही हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो क्या बनेगा 4/3, बबल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 π r की क्यूब, और r की जगह क्या आपके पास ये है ना 3/4 × ये, तो इसकी क्यूब,
यानी कि 3 बाई 4 की क्यूब, तो 3 बाई 4 की क्यूब और इनटू में क्या लिखोगे आप, 2x प्लस 1 की क्यूब, ऐसे लिखोगे ना, r की क्यूब या पूरे की क्यूब कह लीजिए, ठीक है, 3 बाई 4 इंटू 2x प्लस 1 पूरे की क्यूब, तो मैंने अलग अलग क्यूब कर दी। तो देखिए v इज इक्वल टू, पहले इसको पूरा सोल्व कर दीजिए फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, 4 बाई 3 पाई इंटू 3 की क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 3 9 27 और 4 की क्यूब आ जाएगा 64 और 2x प्लस 1 की क्यूब आप एज इट इज रख लीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 3 निमे 27 और 16 चौके 64, तो नीचे 16, तो 9 पाई बाई 16 आ गया, वॉल्यूम आ गया 9 पाई बाई 16, ठीक है, और इंटू में 2x प्लस 1 रेज टू पावर पूरे की हो क्यूब दे रखी है। अब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x बताना है कि x के रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, dv बाई dx कर दीजिए। तो बच्चों 9 पाई बाई 16 तो आपका एज इट इज, और यहां पर ये 3 जो है वो आगे आएगा आपका, और इसकी पावर 2x प्लस 1 की क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी, ये कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2x प्लस 1 का 2 आ जाएगा, 1 का तो 0 ही हो गया, 2x का 2, तो इनटू में 2, तो यहां पर 2 हो गया। तो बच्चों देखिए इसको काटिए, 2 8 16 है, तो 9 27 27 पाई बाई 8 हो गया, 27 पाई बाई 8 और इनटू में 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, बस यही आपको बताना था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात कहता है, ये क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या कहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या कीजिए, 14 में कहता है सैंड है, सैंड मतलब रेत, वो एक पाइप से डाला जाता है बच्चों, और क्या बनता है, नीचे जब आप रेत डालोगे ना तो किसी पाइप से, तो बनेगी क्या, आप जानते हैं कि कौन बनेगी, नीचे कौन बनती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सैंड पावर किया जाता है बच्चों पाइप से, ये कोई पाइप है, इसमें से रेत डाला जाता है ऊपर से, तो नीचे बनेगी आपके पास एक कोन ऐसे, ठीक है, ये हो गई आपके पास कोन। अब इसके बारे में क्या कहा इसने, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो कहता है कि बच्चों जो इसकी हाइट है कोन की h, इसकी रेडियस जो बेस की रेडियस है r, उसकी हमेशा 1/6 रहती है, हाइट को मैंने h मान लिया और बेस की रेडियस को r मान लिया, तो आपके पास क्या है, जो h है वो जो रेडियस है उसकी क्या रहती है, हमेशा 1/6 हो गया, ठीक है ये बात। उसके बाद अगली बात क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो पहले बच्चों इसने वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, पहले सैंड जो है, सैंड डाला कैसे है, पहले देखो जो रेत डाला है उसमें चेंज कितना आ रहा है, उसमें आ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो बच्चों देखो जो रेत डालेंगे ना, ऊपर से रेत डाला, किस रेट से डाला आपने, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये किस में चेंज आ रहा है, ये तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना रेत के, और रेत के वॉल्यूम में चेंज किस में आ रहा है वास्तविकता में, ये नीचे जो चीज बन रही है इसके, ये पहले छोटा है, फिर ये आपका जो रेत का ये मतलब शेप है, ये आपकी कोन बढ़ती जाती है, तो ये इसमें रेत की शेप में चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम है ये आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, इसने दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दे रखा है पहले ही शुरू में, ठीक है। और निकालना क्या है आपने, ये कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, अब ज्यों ज्यों रेट डालेंगे तो ये हाइट तो बढ़ेगी, तो ये कहता है किस रेट से बढ़ेगी, ये किस गति से बढ़ेगी, हाउ फास्ट, तो इसका मतलब चेंज निकालना है अपने एच में, यानी कि डी एच बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कब निकालना है ये, वैन जब आपके पास क्या हो जाता है, जब कहता है हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब ये हाइट है ना बढ़ करके क्या बन जाती है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये इंस्टेंट रेट को ही तो बताता है डेरिवेटिव, जब ये 4 बन जाएगी बढ़ते बढ़ते, और तब भी ये बढ़ रहा है तो उस समय पर चेंज हाइट में क्या आएगा, तो ये बताना है। तो देखिए आपके पास डी वाई डी टी है, तो आप इसका वॉल्यूम लिखिए, तो कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं छोटी क्लासेस में, 1/3 πr² h, 1/3 πr² h वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें ये जो है आपके पास वॉल्यूम हो गया, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h, अब आप क्या काम कीजिए इसमें, v को थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 1/3 π तो आपका एज इट इज, और r का स्केयर, r क्या है बच्चों, यहां से r निकालिए आप, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल हैं r और h, लेकिन आपने है ना चेंज किस में निकालना है, h में, तो इसलिए पूरे को h में बदल लीजिए, r की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो वेरिएबल को सोल्व करने में दिक्कत आएगी आपको, तो पहले इसको सिंपल कर दीजिए, r की वैल्यू निकालिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगी 6h,
तो यहां पर r स्क्वायर की जगह हो जाएगा 6h का स्क्वायर हो गया और इनटू में h यूं का यूं रख लीजिए, तो आपके पास वॉल्यूम हो गया क्या 1/3 pi 6h का स्क्वायर, यानी कि 36h का स्क्वायर और इनटू h की क्यूब हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बना, आप देखिए चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि आप करते हैं तो dv/dt यदि करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इधर तो 1/3 pi तो आपका है ही कांस्टेंट है, 36 भी आपका कांस्टेंट है और ये क्या होगा 3 आगे आ जाएगा इनटू में 3 और h का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे हो गया नहीं। तो अब देखिए आप, तो ये हो गया 12 या 36। ठीक, अब ये बन जाता है इस तरह से। अब आप लोग है ना h यहां पर आपके पास h कितनी है, h है 4, तो 4 पुट कर दीजिए h की जगह, तो क्या बन जाएगा देखिए, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना दे रखा था आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें ये भी रख दीजिए, तो ये तो रख दिया मैंने 12 और उधर क्या है आपके पास 12 पाई हो गया ना, 12 या 36 पाई हो गया, मतलब 36 पाई और इंटू में एच का स्क्वायर, एच कौन है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऐसे बन गया बच्चों। ठीक है, तो अब है ना और साथ में एच का और डेरिवेटिव कीजिए, ये देखो ये मैंने एच का नहीं किया, 3h का स्क्वायर और इंटू में dh/dt, आपने v का तो कर दिया dv/dt, ये यूं का यूं h की क्यूब का 3h स्क्वायर और h का dh/dt ऐसे लिखोगे आप, तो यहां पर हो गया बच्चों क्या dh/dt। तो अब देखो आपके पास क्या हो गया, ये सारा का सारा कहां आ गया, इधर ले आइए आप, इधर लेके आओगे तो देखो क्या हो जाएगा 12 में क्या बना 36 पाई और इंटू में 16, ये आ गया इधर, आपके पास बचा क्या उधर dh/dt, तो देखो बच्चों 12 या 36, तो बना क्या ऊपर तो 1 बच गया आपके पास, 1/16 या 48 पाई बच गया ना नीचे, 48 पाई इज इक्वल टू dh/dt। तो इस प्रकार से जो h में चेंज आया वो ये आया बच्चों 1/48 पाई, यानी कि जो आपकी h है वो किस रेट से इंक्रीज होगी, उसकी कौन की 1/48 पाई और साथ में क्या होगा सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इस प्रकार से ये चेंज आएगा। तो इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा इसने, देखिए 15 में कहता है, देखो इसमें दिया आपको क्वेश्चन नंबर 15 यहां है आपके पास, इसने दिया बच्चों इसमें द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो देखिए बच्चों कोई आइटम है एक्स, उसकी जो कॉस्ट है वो सी से लिखी हुई है और वो एक फंक्शन के द्वारा लिख रखी है क्या 0.007 एक्स की क्यूब माइनस, फिर आगे दिया बच्चों इसने 0.003 और आगे दिया है एक्स का स्केयर प्लस 15x और प्लस में है बच्चों 4000। ठीक है, ये कहता है कि कोई आर्टिकल है और वो किस में है x है, आर्टिकल x है मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं, उनकी कॉस्ट इस फंक्शन के रूप में दे रखी है। तो एक तो कॉस्ट दी है आपको, निकालनी क्या है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब कितनी यूनिट बनाई गई हो 17। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई आर्टिकल है, आर्टिकल को बनाने में ये खर्च आ रहा है इस फंक्शन के रूप में, तो इस पे मार्जिन कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करते हैं इस पे डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मार्जिन निकल जाता है। ठीक है, तो चेंज इन c विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है इसकी आगे ले ये 3 को डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो 3 × 3 = 21, तो कितने पॉइंट छूटेंगे 3 पॉइंट के बाद 3 स्थान है, तो यहां एक जीरो लगा लीजिए तो 0.021 और x का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इसका डेरिवेटिव कीजिए 2 × 3 = 6 तो 0.006 बन जाएगा और x बन जाएगा, और प्लस में 15x का बच्चों 15 हो गया डेरिवेटिव, तो ये आ गया। लेकिन ये कितने मतलब यूनिट बनाई, ये x कितने हैं, ये कहता है कि अगर ये 17 हो तो मान कितना होगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, तो c-17 के ऊपर 17 यूनिट का निकाल दीजिए आप, तो x की जगह 17 रखिए बच्चों, 0.021 × 17 का स्क्वायर यानी कि 289 आ जाएगा, 279 होता है माइनस में, अब 17 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 6 = 102, तो 3 स्थान आपको छोड़ना ही है, तो पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, x की जगह आपने रख दिया ये 3 पॉइंट छोड़ दिए, प्लस में 15 ऐसे आ गया, तो मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों इसकी, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो
21 की 21 निवा 189 कैरिंग हो गया 18 इक्की अठे 168 68 और 10 78 और 8 186 ठीक है। तो कैरिंग फिर से 18 इक्की दूनी 42 और 8 50 और 10 60 कितने स्थान छोड़ देंगे आप 3 स्थान छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से माइनस 0.102 प्लस 15 तो पहले प्लस वाली को जोड़ दीजिए तो प्लस यानी कि 15 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 15.000 तो यहां पर हो गया 960.6511 और एक और एक दो 21 पॉइंट समथिंग आ गया। इसमें से ये घटा दीजिए 0.102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 9 में से 2 7 6 एज इट इज 10 में से 1 9 पॉइंट फिर यहां पर बच गया 0 और 2 तो इतने रुपीज आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ठीक है 20.967 इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा इसने देखिए 16 में दे रहा आपको क्या इसमें कहता है बच्चों टोटल रेवेन्यू दे रखा है ठीक है एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है मतलब कोई एक्स आइटम बनाए हैं और उसमें रेवेन्यू कितना आता है आर एक्स रेवेन्यू को इसने दिया है आर में और यूनिट्स कितनी है आपके पास आर तो इसमें दिया क्या कहता है ये जो रेवेन्यू दिया है एक्स में तो ये क्या है बच्चों 16 क्वेश्चन में ये एक फंक्शन के रूप में है 13x का स्क्वायर प्लस 26x और प्लस में 15 ये रेवेन्यू हो गया ठीक है और आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x आपका 7 हो ठीक है तो निकालिए तो मार्जिनल निकालने के लिए वही आर डैश एक्स करेंगे जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी तो 13×26x प्लस 26 हो जाएगा डायरेक्ट इसका। अब ये कितने यूनिट बनाई है किसी आर्टिकल की यूनिट बनाई है 7 तो आप एक्स की जगह 7 पुट कर दीजिए बच्चों क्या आया 26×7 प्लस 26 तो बच्चों ये हो गया 26 को आप कॉमन भी निकाल सकते हैं तो 26×7 प्लस 1 यानी कि 8 हो जाएगा तो 8 छिके 48 और 8 दूनी 16 और 4 22 कितना हो जाएगा 16 और 4 20 बनता है 8 छिके 48 8 दूनी 16 और 4 20 208 रुपीज ये टोटल मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका ऑप्शनल आ गए क्वेश्चन नंबर 17 तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है आपको देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास कहता है कि यदि आपके पास क्या हो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तो सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा तो शुरू में ही क्वेश्चन किया था आपने फर्स्ट तो सर्कल का एरिया यह मान लेते हैं ए और रेडियस को आर तो क्या हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर और आपको सर्कल के एरिया में चेंज निकालना बच्चों तो डीए बाई डी आर कर दीजिए चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या होगा बच्चों 2πr हो गया 2π×r ठीक है नहीं पावर आगे आ गई तो 2π और रेडियस कितनी आपको दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर तो क्या बना बच्चों 6×12π और साथ में सेंटीमीटर क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो वो तो सेंटीमीटर में है ना तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों तो ये आंसर होगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका भाई टोटल रेवेन्यू दे रखा है इसमें आपने आपको एक्स यूनिट्स का एक्स कोई चीज बनाई है यूनिट्स उनकी एक्स यूनिट बनी है तो रेवेन्यू किसमें है क्वेश्चन नंबर 18 में रेवेन्यू है एक्स में एक्स मतलब आइटम्स का क्या दे रखा है 3x² + 30x + 5 और रेवेन्यू मार्जिनल निकालना है अपने तो आप आर डैश एक्स करेंगे जैसे पीछे आया था सम तो क्या बन जाएगा बच्चों डेरिवेटिव कीजिए 6x हो गया और प्लस में 36 और कितने आर्टिकल बनाए हैं नंबर ऑफ आर्टिकल हैं बच्चों आपके पास 15 तो 15 रख दीजिए आर डैश 15 ठीक है तो आपके पास हो जाएगा 6×15 प्लस 36 ये 36 ही आएगा बच्चों इसका डेरिवेटिव तो ठीक है नहीं 36x का 36 तो प्लस में 36 एज इट इज तो 15×90 में 36 जोड़िए बच्चों तो क्या हो जाएगा 90+36 यानी कि 126 रुपीज आ जाएगा ठीक है ये होगा आपका और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।